बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में बुरी तरह फंसे हुए हैं। राज इन दिनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। इस केस में राज की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। दरअसल शिल्पा शेट्टी का गुस्सा अब मीडिया कवरेज को लेकर फूटा है। उन्होंने नकारात्मक रिपोर्टिंग और अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए 29 पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार शिल्पा ने जिनके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उनमें द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टीवी, फ्री प्रेस जर्नल, NDTV, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी आपत्तिजनक वीडियो हटाने का निर्देश देने की भी गुहार लगाई है। बॉलीवुड अभिनेत्री का कहना है कि इन मीडिया कर्मियों और मीडिया समूहों ने पोर्न रैकेट से जुड़े मामले में उनके खिलाफ झूठी मीडिया रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं। इन मीडिया समूहों ने न केवल ऐसी रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं जिनमें उनके बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, बल्कि कई रिपोर्ट्स में उनके खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि इन रिपोर्ट्स और वीडियो के कारण शिल्पा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उनके व्यापारिक सहयोगी, फैंस, ब्रांड एंडोर्समेंट कंपनी और कई अन्य लोग भी इन भ्रामक रिपोर्ट से प्रभावित हो सकते हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में शिल्पा शेट्टी ने मांग की है कि न केवल उनके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स और वीडियो के प्रकाशन पर रोक लगाई जाए बल्कि अभी तक जिस भी तरह की सामग्री का प्रकाशन किया गया है उसे हटाया भी जाए। साथ ही याचिका में उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इन रिपोर्ट्स को प्रकाशित करने वाले मीडिया समूह सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगे। वहीं राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद से शिल्पा शेट्टी पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस पूरे प्रकरण के बारे में एक्ट्रेस को पहले से सब पता था या वो खुद भी इसमें शामिल थी। एजेंसी जांच करने में लगी है और शिल्पा के भी बैंक अकाउंट्स की जांच चल रही है। देखना होगा कि आगे शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी। आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।